जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। हम जब भी आपसे बात करने आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल का दर्द हल्का कर दें। दिल में जब कसक उठती है, जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, तो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता। शरीर के दर्द को हम फिर भी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी दर्द यानी कि जो दर्द दिल को बार बार टीस दे रहा हो ना, इस दर्द को मिटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग इस दर्द को मिटाने के लिए नशे के आदि हो जाते हैं। कई लोग इस चीज़ को मिटाने के लिए अलग अलग लोगों से बात करना चाहते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हर दर जो उनको लगता है कि उनको रिलीफ दे सकता है, उस दर पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर ये दर्द ठीक ना हो, तो फिर आप आज का ये उपाय ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं कहूँगी कि इतनी तकलीफ़ भी उठाने की क्या ज़रूरत है। दिल में अगर किसी वजह से दर्द है, तो उसे दूर करने के लिए ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। जब किसी से प्यार करें और वो हमें उस चीज़ के बदले रिस्पॉन्स ना दें, हमारी तरफ देखे ना, हमें तवज्जो ना दें, हमारी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को नहीं समझे, हम उसके साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करें, हमें हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहे कि अगर ये मेरे साथ नहीं तो क्या ये किसी और के साथ है, अगर इसका मुझ पर ध्यान नहीं तो क्या इसका किसी और पर ध्यान है। अगर आपको बार बार ये समझ आए कि आप जिसके साथ हैं, आप उसके साथ खुश नहीं हैं, कहीं कुछ है जो आपके रिश्ते में खाली है, अधूरा है, तब आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिससे प्यार करते हैं वो आपको बार बार इस बात की धमकी दे कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं चल पाएंगे साथ में, अब बस, अब बहुत हुआ। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कभी भी किसी भी पल हाथ छोड़कर अलग हो जाएंगे, तब ये उपाय आपके लिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और की ही चक्कर में फेरे लगा रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए। अगर कोई साथ है लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसके साथ होने का एहसास नहीं है, तो ये उपाय आपके लिए। लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। मन में जब प्यार उत्पन्न हो रहा हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में इमोशंस पैदा हो रहे हों और ये इमोशंस इतने बढ़ जाएं कि आप उस इंसान से अलग होने में अपने आप को मृत जैसा पाए, मतलब आपको ये लगे कि या तो मैं जुदा हो गई तो मैं मर जाऊंगी, या फिर मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। अगर आपको ये लगे कि आप किसी से अलग होने पर अपने आप से ही अलग हो जाएंगे, आपका हर चीज़ से विश्वास ख़त्म हो जाएगा, तो आपका फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है। आपका संबंध यानी कि आपकी शादी के बाद आपके बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, आपका एक दूसरे के साथ संबंध गहरा नहीं है, आप एक दूसरे के साथ हैं तो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। इसका मतलब आपका सातवां और बारहवां घर मिलकर आपके जीवन में उत्पाद कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में अचानक से किसी तीसरे का आ जाना या किसी तीसरे का आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह देना, अगर आपके रिश्ते में खराबी कर रहा है, तो आपका सातवां, आठवां, बारहवां भाव मिलकर आपके जीवन में त्राही त्राही ला रहा है। ये तो एक एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई। अब नॉर्मल बात करूं तो इन सब से निजात पाने का तरीका क्या है, क्या कुछ ऐसा हम सरल सा कर सकते हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए या बुरी नीयत से कभी भी ऐसा कोई उपाय मत करिएगा जिसका दंड ठाकुर जी आपको बहुत गलत तरीके से दें।
आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, आपको उसके बदले प्यार नहीं मिल रहा है, आप किसी के साथ अटैच्ड हैं लेकिन आपको वहाँ से उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो ये उपाय आप पूरे दिल से करिए, आपको इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। शुक्रवार की रात को 2 लौंग ले लीजिए। उस लौंग को आपको एक पेपर के अंदर बांध कर रख देना है। आपको एक पत्ता लेना है, तेज पत्ता। उस तेज पत्ते के ऊपर आपको रेड पेन से अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिख देना है, और आपको उस तेज पत्ते के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देना है, और लौंग आपने जिस पेपर में बांधी है उसके साथ आपको इस तेज पत्ते को रख लेना है। शुक्रवार की रात को आपको ये उपाय करना है, और आपको इस उपाय को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। 2 लौंग चाहिए, 1 तेज पत्ता चाहिए, और थोड़ा सा कपूर चाहिए, और एक पेपर चाहिए। 2 लौंग ले लीजिएगा, 1 तेज पत्ता लीजिएगा, जिस पर रेड पेन से आप अपने पार्टनर का और अपना नाम लिख दीजिएगा, और इस तेज पत्ते के ऊपर आप 2 लौंग रख दीजिएगा और कपूर रख दीजिएगा, और ये सारा सामान एक पेपर के अंदर बांध कर अपने सिर के नीचे रख कर सो जाइएगा। शनिवार को आपको ये सारा का सारा सामान ले जाकर किसी ऐसी जगह पर गाड़ना है जहाँ पर या तो दीमक लगी हो। मिट्टी के अंदर दीमक लग जाती है, आपको पता है, आप ढूंढेंगे ना तो आपको ऐसी जगह मिल जाएगी। अगर ऐसी ना हो तो ऐसी जगह ढूंढिएगा जहाँ पर चींटियाँ हों। चींटियाँ अपना एक अलग सा घर बनाती हैं और पता लग जाता है कि यहाँ पर चींटियाँ होंगी। ऐसी जगह पर जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर आपको इन सारी चीज़ों को दबा देना है। उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है। रात को सोने से पहले 11 बार आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में प्यार बढ़े, आप दोनों के बीच में रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो आपकी फीलिंग्स को समझे, वो आपके प्यार की कदर करे, ये सारी बातें आपको 11 बार एक प्रेयर की तरह एक पेपर पे लिख लेनी है और उसे बार बार बोलना है। कैसे लिखेंगे? मैं, आपका नाम, मेरा पार्टनर, उनका नाम, वो मेरे साथ हमेशा खुश रहें, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे प्यार करें, वो मेरे अलावा किसी और की तरफ कभी देखे भी नहीं, वो किसी और की बातों में आकर या किसी और की वजह से हमारे रिश्ते को कभी ख़राब ना करें, वो मेरी छोटी से छोटी चीज़ों की केयर करें, वो मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखें, उनका अटेंशन हमेशा मेरी तरफ हो, वो हमेशा मुझसे अट्रैक्ट रहें। इस तरह की एक प्रेयर लिख लीजिएगा एक पेज के ऊपर, और 11 टाइम्स इस प्रेयर को आपको सैटरडे की नाइट को सोने से पहले बोल लेना है। जो प्रेयर वाला आपका जो पेज है उसको आप 4 फोल्ड कर दीजिएगा, 4 बार फोल्ड कर दीजिएगा। उसके ऊपर आप लिख देंगे ह्रिम, ह के नीचे र की मात्रा, ई की आपको मात्रा लगानी है और बिंदु लगा देनी है, ह्रिम। उसके बाद आप इस पेपर को नेक्स्ट डे यानी कि संडे को एक लाल कपड़े में रैप कर देंगे और इसे किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर ना तो कोई इसे खोले ना ही कोई इसको टच करे। करके देख लीजिएगा, आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका पॉजिटिव रिजल्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये लाल कपड़े में रखा हुआ पेपर ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा या मिट्टी में गाड़ दीजिएगा। छोटा सा सरल सा उपाय है, घर में ही कर लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और रिज़ल्ट वो तो बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। आएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। कई कई बार हम कुछ उपाय करते हैं और उनके हमको बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। उसका रीज़न होता है कि हमारे ग्रहों को कुछ और चाहिए। ग्रह मांगे मोर, तो मोर देने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। अपनी कुंडली, अपने ग्रह, अपने नक्षत्रों के अनुसार अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए और फिर देखिए जीवन के अंदर कैसे ही सब चंगा चंगा हो जाएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में
विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मातृशिला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मातृशिला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।